कैदी नंबर 650 की चीखें हमें सोने नहीं देती थी। ये कोई पाकिस्तानी औरत थी जो हमारे साथ बगराम जेल में कैद थी। ये इंकशाफ था बगराम जेल के 4 अरब कैदियों का जो वहां से भाग निकले थे, और वो चीखें किसी और की नहीं बल्कि 5 साल से गायब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक बेहद जहीन हाफिज़ कुरान, अमेरिका में MIT और ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी से न्यूरोसाइंस में PhD डॉक्टर हैं, जिनके बारे में उनके प्रोफेसर और अमेरिका की मशहूर जमाना शख्सियत नॉम चॉम्स्की का कहना था कि आफिया अपनी जात में खुद एक इदारा है, ये जहां जाएगी तब्दीली लाएगी। आफिया अपनी पढ़ाई के दौरान इस्लाम की दावत का काम और सोशल वर्क भी करती रहीं। इनके मकासद बहुत बुलंद थे। वो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में इनकलाब बरपा करना चाहती थी। इस मकसद के लिए डॉक्टर आफिया एक निसाब तैयार कर चुकी थी जिसमें मॉडर्न सिलेबस से लेकर तमाम मजाहिब का तारुफ भी शामिल था, जिससे गुजर कर तुलबा खुद इस्लाम की हकीकत को पहचान सके। उनके मुजव्वजा निज़ाम तालीम में कुरान करीम इस तरह पढ़ाया जाता कि तालीम मुकम्मल होने तक कुरान उन्हें तर्जुमा व तफहीम के साथ याद हो चुका होता। डॉक्टर आफिया की बला की जहानत, कुरान से ताल्लुक और बुलंद अजाइम ने अमरीका ही में रहते हुए उन्हें मशकूक बना दिया। 2003 में कराची पहुंचने पर आफिया को उनके 3 बच्चों समेत अगवा कर लिया गया और अगले 5 साल तक उनका कुछ मालूम ना हो सका। 2008 में बगराम जेल से फरार होने वाले कैदियों से मालूम हुआ कि आफिया अफगानिस्तान की बदनाम जमाना जेल में कैद हैं। अमरीकी हुकाम ने अपनी घटिया हरकतों पर पर्दा डालने के लिए आफिया को जेल से निकालकर कत्ल करने का मंसूबा बनाया। निहत्ती आफिया पर अमरीकी फौजी ने गोली चलाई जिससे वो जख्मी हो गई। इलाज का कहकर आफिया को अमरीका रवाना कर दिया गया, जहां उन पर बेसरोपा इल्जाम लगाकर जज ने फौरी गिल्टी ऑफ ऑल चार्जेस का फैसला सादिर कर दिया और उन्हें 86 साल कैद की सजा सुना दी गई। उनके दोनों बड़े बच्चे 2010 में वापस पाकिस्तान भिजवा दिए गए, जबकि सबसे छोटा बच्चा ताहाल लापता है। अमरीकी जेल में आफिया को किसी कैदी के बराबर हुकूक मिलते, ना ही मेडिकल और विजिट करने की सहूलियात दी जाती। ये है इंसानी हुकूक का प्रचार करने वाले अमरीका का भयानक चेहरा, जो इस कदर खौफनाक है कि लोग पीस एंड फ्रीडम के चमकते स्लोगन्स के पीछे अगर इसकी हकीकत देख लें तो उन्हें दुनिया में फैली दहशतगर्दी और बदमनी की असल वजह समझ आ जाए। डॉक्टर आफिया की कैद के 20 साल बाद पहली मरतबा उनकी अपनी बहन डॉक्टर फौजिया से मुलाकात मुमकिन हो पाई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जेल में तशद्दुद से डॉक्टर आफिया के दांत टूट चुके हैं, जिस्म और दिमाग लागर हो चुका है, सर पर चोटों की वजह से वो ठीक से सुन भी नहीं पाती। खौफ और अजियत की इस कैफियत में बार बार कहती जाती कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आज भी हिम्मत और हौसले का पैकर है। और सेनेटर मुश्ताक के मुताबिक जबान पर उम्मत के बच्चों के लिए दुआएं हैं, कुरान से ताल्लुक मजबूत करने, गरीबों और कमजोरों का साथ देने और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत बनाने की तलकीन है। डॉक्टर आफिया एक अजीम माँ, सब्र इस्तकामत का इस्तियारा, कुरान की दाइया, नेकी को फैलाने वाली मुजाहिदा और बातिल की आंखों में खटकने वाला वो कंकर है जिसने पानी में गिरकर दूर तक लहरें फैला दी हैं।